Assalamu alaikum viewers, 10th class unit number 12, coordination and control, and the lecture number is 5, the topic is reflex action. इस टॉपिक में कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में, अफाल के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कुछ ऑटोनॉमिक होते हैं और कुछ सोमैटिक होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, इम्पल्सिस को सेंड करता है हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक. तो इसमें दो तरह के एक्शंस हो रहे होते हैं. एक एक्शन है जी वॉलंटरी एक्शन, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल कर रहा है, और एक होता है जी इनवॉलंटरी एक्शन जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है. तो जो वॉलंटरी एक्शन हैं, ठीक है, वो हमारे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, और इसको जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन का हायर सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है. लेकिन अगर इम्पल्स जो है वो ब्रेन के हायर सेंटर तक पास आउट ना की जाए, तो ये जो रिजल्ट है, ये जो रिस्पॉन्सेज है, ये हमारे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता. तो इस किस्म के जो एक्शन है ये इनवॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं. बाज़ औक़ात ये जो इनवॉलंटरी एक्शन हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फास्ट होते हैं, क्यूट होते हैं. तो इस किस्म का जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है. और जो पूरे का पूरा एक पाथवे है जिसमें जो नर्व इम्पल्सेस हैं प्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए, तो वो जो पूरा पाथवे है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है जी विथड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. जब हम किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, यहाँ पर कैंडल शो ऑफ की गई है, ठीक है, तो किसी भी पर्सन का अगर कैंडल को हाथ टच कर जाता है तो वो फौरन से अपना हैंड है वो विथड्रॉल कर लेता है. तो ये जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन की ही एग्जाम्पल है. तो इसमें जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही है, ठीक है. जो हीट है यहाँ पर ये एक स्टिमुलेट करता है टेम्परेचर को और पेन रिसेप्टर्स को, ठीक है. तो जो हीट है यहाँ पर ये स्टिमुलेट कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ ही जो पेन रिसेप्टर्स हैं स्किन में मौजूद उनको भी. तो एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है. और ये जो नर्व इम्पल्स है ये स्किन के जरिए सेंसरी न्यूरॉन तक भेजी जाती है, और फिर जो है सेंसरी न्यूरॉन से ये भेजी जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक. यहाँ पर जो इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं ये इम्पल्स को जो है वो पास आउट करते हैं मोटर न्यूरॉन तक. और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये क्या करेंगे कि मसल्स को, मसल्स के आर्म तक उस मैसेज को लेकर जाएंगे, जिसके नतीजे में जो मसल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, और जो हैंड है वो विदड्रॉ हो जाएगा. इस काम में जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स दिखाएं ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे ब्रेन तक, ठीक है, ताकि जो पर्सन है वो टेम्परेचर के साथ साथ जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनको जो है वो सेंस कर सके, परसेप्ट कर सके. ये जो सारा प्रोसेस है, जो इतना मेथड जो है वो सारे का सारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है.